दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर से जो भी लोग हैं वो दो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो भी बिग बॉस देख रहे हैं हाल फिलहाल उन्हें शहनाज और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इन दोनों की जोड़ियां भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत में जो शहनाज हैं वो पारस के साथ थी और उसके बाद वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास आई। 5 हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छी दोस्ती निभाते के साथ ही उनकी दोस्ती उनके साथ अब टूटती हुई और बिखरती हुई सी नज़र आ रही है। अब ये बड़ा सवाल हो चुका है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला के पास जो है शहनाज क्या वापस आएंगी। तो हम आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शहनाज जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास वापस आ सकती हैं। आपको बता दें कि इनके माता पिता यानी शहनाज के माता पिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि उन्हें लगता है कि शहनाज जो है वो पारस के पास नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास ज़्यादा सही हैं और वो उनके पास वापस आ जाएंगी। वहीं उन्हें पारस इतना अच्छा नहीं लगता जितना सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें अच्छा लगता है। वहीं दोनों ही चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास आ जाए शहनाज और शहनाज का गेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी नज़र आता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या माता पिता की जो बात है ये सुन पाती हैं शहनाज और क्या घर के अंदर वो दोस्त जो उनका है उसे दुश्मन बनाई जा रही है तो क्या वो उनका दोस्त वापस बन पाएगा, क्या उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्या वो क्लियर हो पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं कि किसके पास जानी चाहिए शहनाज, पारस के साथ या फिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, और कौन है घर में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट आपका। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर सबसे पहले।